ये लीजिए। कितने हो गए बेटा? 100 रुपए। ये इसमें से जितने हुए अपने काट लो। ले लिए साहब। थैंक यू बेटा। धन्यवाद साहब। ये अंधा आदमी रोज बेवकूफ बनने आ जाता है, लेकिन करता क्या है ये इतनी नमकीनों का काम? करती हूँ आज इसके पीछे जाके देखती हूँ। एक मिनट देखना। अब बेटा आज 5 जगह पर एक्स्ट्रा पैक करना। सर वो तो हम पैक कर देंगे, पर हमें आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो ना। साहब कल हमने पीछे वाली बस्ती में आपको गरीब बच्चों को नमकीन खिलाते हुए देखा था, कितना नेक काम करते हैं आप। वो तो मैं अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए करता हूँ। कर्मों का प्रायश्चित मतलब? पेशे से मैं एक डॉक्टर हूँ, अपने फायदे के लिए मैंने हमेशा अपने पेशेंट्स के साथ बहुत गलत किया, उन्हें गलत दवाई देता रहा कि कहीं वो जल्दी ठीक ना हो जाएं। मैं पैसे कमाता रहूं, यही सिलसिला चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन मुझे मेरे कर्मों की सजा मिली। एक रोड एक्सीडेंट में मेरे आंखों की रोशनी चली गई। अब तो इतना हो सकता है मैं लोगों की मदद करता हूँ और करता रहूंगा। साहब समझ नहीं आ रहा कि क्या बोले, पर जो भी हुआ वो गलत था। मैं तो उन बच्चों की खुशी को महसूस करते हुए अपने आप को बहुत हल्का महसूस करता हूँ। अब लाओ कितने पैसे हो गए अपने, ले लो। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप पैसे मत दीजिए। क्यों? साहब वो आपके अंधे होने का फायदा उठाकर हमने हमेशा आपसे ज्यादा पैसे लिए, लेकिन अभी आपकी बातें सुन के हमें समझ में आ गया कि हमने आपके साथ बहुत गलत किया है। हमें कभी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, इसलिए हमें प्लीज माफ कर दीजिए साहब। अरे नहीं नहीं आप माफी मत मांगिए, लेकिन एक बात मेरी जरूर याद रखिए, हम जिंदगी में जो भी करते हैं ना वो लौट के हमारे पास आता जरूर है, इसलिए जिंदगी में कभी किसी के साथ बुरा मत करना। जी साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम हमेशा आपकी बात याद रखेंगे। ठीक है मैं चलता हूँ।